हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 तक मैं आपको बता चुकी हूँ और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। ठीक है कि क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, देख लीजिए आप एक बार। अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्टेट हाईवे है हमारे पास जो एक टावर है उसके फुट पे हमारे पास जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, स्टेट हाईवे बना लेते हैं। आपको पता है हाईवे की शेप में होता है लाइक दिस, ओके। और ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से टावर, दिस इज योर टावर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया है, टावर हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोला गया है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व द कार। यहां पे आपके पास एक मैन है टॉप ऑफ द टावर, ओके राइट, एंड टॉप ऑफ द टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। मैंने आपको बार बार बताया है, जब भी आपके पास ये वर्ड आएगा इट मीन्स आपका जो एंगल है वो कहां से बन रहा है, अपर पोर्शन से। ठीक है, इट मीन्स यहां से। ठीक है, एंड विच इज अप्रोक्सीमेटली द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो हमारे पास है। ठीक है, नाउ इट मीन्स मान लीजिए आपकी जो कार है वो यहां है, ओके okay. तो ये जो एंगल है ये कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। ठीक है ना, 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद राइट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। बाद में हमें पता चला कि जब 6 सेकेंड हो गए हैं तो आपकी कार जो है वो 60 डिग्री पे आ गई है। तो इट मीन्स यहां से लेके यहां तक हमारे पास जो एंगल होगा ये आपका ये है और ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ए बी सी एंड डी, ओके ये आपका क्या आ गया डायग्राम। अब उसी तरीके से अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है सॉरी, अगर ये आपके पास 60 डिग्री है तो कॉमन लाइन दिस अल्टरनेट इंटीरियर है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज हाउ कि आपको ये डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करना है। देखिए डिप्रेशन के जितने भी आपके पास क्वेश्चन आए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, सबसे पहले लेट डी बी इज द स्टेट हाईवे। ये आपके पास क्या है, स्टेट हाईवे, हाईवे कार इज एट अ पोजीशन, पोजीशन मान लीजिए आपकी कार जो है वो किस पे है, डी पोजीशन पे, आफ्टर 6 सेकेंड्स। ठीक है, 6 सेकेंड के बाद कार इज एट पोजीशन डी। ठीक है, वो कहां, सॉरी सी, डी से उसकी पोजीशन कहां पे आ गई आपके पास, सी पे। ठीक है, ए बी इज द टावर। ठीक है, ये आपके पास क्या है, टावर ए बी। नाउ कंसीडर, आपने किसे कंसीडर किया, ए बी सी को, ट्रायंगल ए बी सी को। यहां से टेंजेंट 60 डिग्री कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन सी बी, ये क्या आ गया आपका, सी बी, विच मीन्स वन, दिस इज अंडर रूट 3 एंड ए बी आपको नहीं पता कितना है और ना ही आपको सी बी पता है कितना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब दूसरे ट्रायंगल से देखते हैं हमारे पास क्या आता है, कंसीडर ट्रायंगल ए बी डी इन विच टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी। और यहां से देखिए आपका जो डी बी है दैट इज डी सी प्लस सी बी, ओके। इस तरीके से हमने क्या करनी है, इसमें वैल्यू को पुट करना है, ओके तो ए बी अपॉन में डी सी प्लस सी बी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी राइट। नाउ यहां पे भी ए बी है आपके पास और यहां पे भी, ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से वैल्यू आएगी 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में डी सी प्लस सी बी। ठीक है, तो
इस एक इक्वेशन अब हमारे पास ये आ गई है और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है. एक काम कीजिए, अब आपको टर्म्स खत्म करनी है. इसमें भी ए भी है, ए भी है, सी बी भी है, तो डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, ओके, यानी अंडर रूट थ्री ए बी अपॉन सी बी डिवाइड बाय वन अपॉन अंडर रूट थ्री, ठीक है. और यहां क्या हो जाएगा, ए बी टी सी प्लस सी बी, ओके. आपको पता है कि ये हमारे पास डिनोमिनेटर और यह कहां जाएगा, ऊपर. इट मीन्स अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाइड अंडर रूट थ्री अपॉन वन इज इक्वल्स टू ए बी, यहां रहेगा सी बी, इसके साथ मल्टीप्लाई ए बी, और जो आपकी ये टर्म है ये कहां चली जाएगी, ऊपर. दैट इज डी सी प्लस सी बी कैंसिल, ओके. अंडर रूट थ्री को अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी थ्री. वैल्यू आ गई डी सी सी बी अपॉन सी बी, डिवाइड कर दीजिए, थ्री इज इक्वल टू डी सी अपॉन में सी बी प्लस सी बी अपॉन सी बी, अगेन इट विल बी कैंसल, सी बी अपॉन सॉरी डी सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू, ये थ्री है, थ्री से इधर लेके जाएंगे थ्री माइनस वन विच इज इक्वल टू टू, ओके. ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, टू. डी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी बी, इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये डबल है किसका, इसका, ठीक है. यहां से ये वैल्यू आ रही है हमारे पास. अब एक काम करते हैं, हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं कौन सी इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है. पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट. यहां से देखिए आपके पास क्या आएगा, वन अपॉन अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन कितना था, डी सी, और डी सी की जगह मैंने क्या पुट करना है, टू सी बी प्लस सी बी. ये हो जाएगा ए बी अपॉन टू सी बी प्लस सी बी विच इज इक्वल टू थ्री सी बी, वन अपॉन अंडर रूट थ्री, राइट. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सी बी की वैल्यू, ओके. क्योंकि सी बी की वैल्यू पुट करेंगे तभी हमें डी सी की वैल्यू पता चलेगी. ये थ्री इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडर रूट थ्री ए बी इज इक्वल टू थ्री सी बी, ओके. एंड ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो अंडर रूट थ्री ए बी अपॉन थ्री इज इक्वल टू सी बी, ठीक है. ये आपके पास क्या आ गई, सी बी, ठीक है. कोई डिफरेंट वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है. अब एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा. यहां तक हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है. नाउ अंडर रूट थ्री ए बी अपॉन, ठीक है, यहां पे हमारे पास बचा है थ्री विच इज इक्वल टू सी बी, राइट. अब अंडर रूट थ्री, राइट, थ्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री, इट मीन्स रूट थ्री ए बी अपॉन अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री सी बी. ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल. तो यहां से आ गया ए बी अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू सी बी. एंड वी नो दैट कि आपका जो डी सी था दैट इज ट्वाइस ऑफ सी बी, तो डी सी की वैल्यू आ जाएगी टू ए बी अपॉन अंडर रूट थ्री, ओके. नाउ सिक्स सेकेंड लेटर, अब छह सेकेंड में उसने जो ट्रेवल किया था डिस्टेंस वो कितना था, डी सी, ठीक है. आप यहां लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन सिक्स सेकेंड्स, ठीक है. सिक्स सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने, डी सी, विच इज इक्वल टू टू ए बी अपॉन अंडर रूट थ्री, ओके, राइट. सिक्स सेकेंड्स में उतने इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और ये आपको क्या है, गिवन, ठीक है. पूछा क्या है आपसे, टाइम निकालना है टेकन बाय टू कार, ठीक है, टू रीच द फुट ऑफ द टावर, राइट. अब आपने क्या करना है, इतने डिस्टेंस को उसने कितने में ट्रेवल किया है, सिक्स में. अब उसने इस पॉइंट से, फ्रॉम दिस पॉइंट, देखिए उसने यहां से निकाला इनिशियल पॉइंट से, समझ में आया, उसने कहां से कहा, सी पॉइंट से, सी पॉइंट से उसको कितना टाइम लगेगा जाने के लिए. अब डिस्टेंस तो हम निकाल चुके हैं, हमें क्या निकालना है, टाइम, ओके. डी सी ट्रेवल्ड इन सिक्स सेकेंड्स, ओके. सो सी बी ट्रेवल्ड इन कितना हो जाएगा हमारे पास, सिक्स डिवाइड बाय डी सी मल्टीप्लाइड सी बी, राइट. तो ये हो जाएगा सिक्स अपॉन, डी सी की वैल्यू क्या है, टू ए बी
अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई सी बी कितना है हमारे पास ये ए बी अपॉन अंडर रूट 3 इससे क्या हो गया कैंसिल और ये कितना आ गया 3 इट मींस 3 सेकंड्स ये आपका क्या आ गया आंसर ओके तो आप लिखेंगे टाइम टेकन बाय कार टू रीच दी फुट ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट सी इज 3 सेकेंड्स ठीक है अब मान लीजिए कि एक्स्ट्रा चीज उसने पूछ ली अभी इसमें एनसीईआरटी में नहीं पूछी गई है उसने ये पूछ लिया बताइए इनिशियल पॉइंट से कितना टाइम लगेगा अब आपको गिवन है जो ये डिस्टेंस है इसमें कितना लग रहा है 6 और यहां कितना लग रहा है 3 तो टोटल कितना हो जाएगा आपका यहां से लेके यहां तक इट विल बी 9 टोटल टाइम इसको लगा 9 सेकेंड्स का ठीक है वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर यूजफुल वीडियोज